हेलो क्लास, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ईंधन के बारे में चैप्टर टू मैंने शुरू कर दिया था। क्लास में भी यही पढ़ा रहा हूँ, वीडियो में भी यही पढ़ा रहा हूँ। और चैप्टर टू मैंने शुरू किया जिसमें ईंधन के बारे में बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स के बारे में बता दिया, और लकड़ी वुड के बारे में, प्राकृतिक ठोस ईंधनों का वर्णन भी मैंने कर दिया था कल, जिसमें लकड़ी के बारे में बताया था जिसको बोलते हैं वुड, जिरड़क के बारे में बताया जिसको बोलते थे पीट, उसके बाद मैंने बताया लिग्नाइट कोयला के बारे में, भूरा कोयला के बारे में, उसके बाद बिट्यूमिनस बताया, बिट्यूमिनस तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब जैसे बिट्यूमिनस कोयल जो था मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, बिट्यूमिनस कोयल, तो आज जो है इसमें बिट्यूमिनस कोयल जो है यह कोयले की मुख्य प्रसिद्ध अवस्था है जिसे सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें नमी की मात्रा बहुत कम, जो कि लगभग 4 से 6%, 4 से 6% होती है, तथा बहुत अधिक कार्बन, मतलब कि इसमें जो नमी जो है आपकी बहुत ही कम है, ठीक है, और कार्बन जो है 75 से 90% है। कार्बन की जो मात्रा है वो लगभग 75 से 90% है। तो इसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है, आप अगर देखें तो सबसे अधिक कार्बन किसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है लिग्नाइट कोयले में, बिटुमिनस कोयले में, सॉरी बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है किसके अंतर्गत, बिटुमिनस कोयले में, 75 से 90%। यह बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए कि अगर कोई पूछ ले कि कोयले की सर्वाधिक मात्रा किसमें है तो आप बता सके कि बिटुमिनस कोयले में है। कितनी है, 75 से 90% है। सबसे कमी नमी है इसके अंदर, सबसे कम नमी है इसके अंदर, मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम है, वाटर कंटेंट सबसे कम है, लगभग कितनी है, 4 से 6% है। और यह जलने पे पीली ज्वाला की तरह निकलती है। अगर देखा जाए तो बिटुमिनस कोयले को दो भागों में बदला गया है, कुकिंग कुकिंग बिटुमिनस कोयल और नॉन कुकिंग बिटुमिनस कोयल। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। इसका मुख्य प्रयोग भाप बनाने में होता है। इस कोयले को धातु क्रम कोक, कोल गैस तथा घरेलू गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए भी प्रयोग करते हैं। इस कोयले की ऊष्मीय मान लगभग 29 MJ/kg है। तो अभी तक जितने हम फॉर्म्स पढ़े कोयले के, भूरा कोयला हुआ हमारा, या इसके पहले पीट पढ़े, उड पढ़े, तो इन तीनों में सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू जो है, ऊष्मीय मान जो है, इसी की है, 29 MJ/kg का इसमें मान है। अब आगे देखते हैं, पांचवा जो है हमारा एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयल, एंथ्रेसाइट कोयल, ये पांचवा पार्ट है। तो ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। बरिड वेजिटेशन, बुरिड वेजिटेशन से कोयला बनाने की विचरना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में यह अंतिम पद है। मतलब वेजिटेशन से, वनस्पतियों से कोयला बनाने का यह अंतिम पद है, या फिर यह अंतिम कोयला है जिसको हम वेजिटेशन से, वेजिटेशन मतलब वनस्पतियों से, जैसे लकड़ी से हमने पहले प्रथम चरण में अगर देखा जाए, प्रथम पद में मैंने क्या बनाया था, पीट बनाया था, PEAT जिसको बोलते थे जिरड़क। अब उसके बाद मैंने क्या बनाया, भूरा कोयला बनाया, उसके बाद क्या मैंने बनाया, जिसको बोलते हैं लिग्नाइट, उसके बाद मैंने बनाया बिटुमिनस बनाया। अब आ गया हमारा एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट जो है ब्रीड वेजिटेशन का, मतलब वनस्पतियों का एक आखिरी पद है, कोयले का एक आखिरी पद है। यह कार्बन की उच्चतम मात्रा 90% रखता है, मतलब कि बिटुमिनस को भी इसने पछाड़ दिया कार्बन की मात्रा में, कार्बन की मात्रा में इसने बिटुमिनस कोयल को भी पछाड़ दिया, और यह 90% का कोयला कार्बन की मात्रा को रखने लगा।
90% केले की मात्रा को इसने रखने ये रखने लगा। तो अगर देखा जाए कोयले की जो मात्रा बिटुमिनस के अंदर है वो कितनी है, 90% है। यह पूरी तरह से धुआं रहित है। धुआं रहित मतलब कि इसमें धुआं जो है बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, धुआं जो है बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, धुआं रहित कह सकते हैं इसको। और कार्बन की मात्रा मैंने बताया कि लगभग 90% है। बिटुमिनस में मैंने कितना बताया था कार्बन की मात्रा, 75 से 90% बताया था। इसमें मैं बता रहा हूँ कि 90% है। और ये स्मोक बहुत ही कम करता है, यानी कि प्रदूषण बहुत ही कम करता है। आगे देखते हैं, तथा ये तीव्र छोटी ज्वाला बनाता है। तीव्र छोटी ज्वाला बनाने का मतलब है कि जब धुआं कम होगा तो ज्वाले की इंटेंसिटी अपने आप अधिक हो जाएगी। धुआं कब होता है, जब कंबजन ठीक से नहीं हो पाता है। कंबस्शन का मतलब कि जब दहन जो है ठीक रूप से नहीं हो पाता है तब धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है। जब कंबस्शन की मात्रा जो है कम हो जाती है तभी जो है धुएं की मात्रा जो है बढ़ती है। अब देखिए इसमें धुएं की मात्रा कम है, कार्बन की मात्रा 90% है, और इसमें जो है छोटी सी ज्वाला उत्पन्न होती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ही अधिक होती है, तीव्रता बहुत ही अधिक होती है। जैसे वो जलती किस तरह है, फ्लेम की तरह जलती है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जब कॉलेज में आप लोग आइए तो वर्कशॉप में जाइए और वहाँ वेल्डिंग के एक गैस वेल्डिंग रखी होगी जिसमें दो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। इन दोनों गैसों के माध्यम से हम फ्लेम को जलाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि फ्लेम जो है बहुत ही तीव्र गति से जलती है, बहुत ही तीव्र गति से जलती है। तो इस वीडियो लेक्चर में अब और आगे हम देखते हैं, इसको उचित तापमान पर जलाया जाता है, मतलब एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे इसका बर्निंग होता है। इसका चूड़ीकरण पुलराइजेशन कठिन और अधिक लागत वाला है। पुलराइजेशन मतलब कि बाबू कि जो बड़े बड़े कोयले के खान से बड़े बड़े पत्थर की तरह, चट्टान की तरह कई कई कुंटल के जो कोयले निकलते हैं, टन में निकलते हैं, कई कई टन के, कई कई 100 कुंटल के होते हैं, तो इनका पुलराइजेशन मतलब कि चूड़ीकरण मतलब छोटे छोटे पार्टों में बांट देना, छोटे छोटे पार्टों में निकाल देना, ये जो है हमारा बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। बिटुमिनस कोयले का चूड़ीकरण करना कठिन प्रक्रिया है, पोलराइजेशन इसका कठिन है। सॉरी एंथ्रेसाइट का पोलराइजेशन करना कठिन है। इसका उष्मीय मान लगभग 28 मेगा जूल पर केजी है। इसका उष्मीय मान लगभग 28 मेगा जूल प्रति केजी होता है। 28 मेगा जूल मतलब कि ये कम है एंथ्रेसाइट का, हमारा एंथ्रेसाइट कोयल का जो उष्मीय मान है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो लगभग 28 मेगा जूल पर केजी है। और बिटुमिनस का जो हमारा है वो 29 मेगा जूल पर केजी है, यानी कि बिटुमिनस में 1 मेगा जूल पर केजी अधिक हमें उष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है, प्राप्त होती है, लेकिन एंथ्रेसाइट में 28 मेगा जूल प्रति केजी का मिलता है हमें उष्मीय मान। अब देखिए कृत्रिम ठोस ईंधन निम्नलिखित है, ये जो पांचों मैंने बाबू आप लोगों को बताया ये सब प्राकृतिक ठोस ईंधन के अंतर्गत आ रहे थे। किसके, नेचुरल सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत आ रहे थे। मतलब ये सॉलिड फ्यूल तो थे ही थे, कोयला हुआ, लकड़ी हुआ, ये क्या है, सॉलिड है, कठोर है, ठोस है, लेकिन उसमें भी ये कौन से फॉर्म में आता था, नेचुरली फॉर्म में है, ये प्राकृतिक फॉर्म में है ये।
अब जो हम जानेंगे वो कृत्रिम फॉर्म में जानेंगे, ठोस ईंधन को ही जानेंगे, लेकिन वो ठोस ईंधन जो भी होंगे वो कृत्रिम होंगे, आर्टिफिशियल होंगे। तो अगर हम देखें, तो प्राकृतिक ठोस ईंधन जो हमने अभी आपको बताया पांच तरीके का, वो निम्नलिखित निम्नवत की का क्या क्या बताया आपको? प्रथम बताया, पहला बताया उड, बताया लकड़ी, दूसरा बताया जिरड़क पीट, तीसरा मैंने आपको बताया भूरा कोयला जिसको बोलते हैं क्या लिग्नाइट, चौथा मैंने आपको बताया बिटुमिनस, पांचवा मैंने बताया एंथ्रेसाइट। तो ये पांचों आप याद कर लीजिए कि ये जो पांच तरह के ठोस ईंधन है वो प्राकृतिक ठोस ईंधन है। कौन से ठोस ईंधन है? प्राकृतिक ठोस ईंधन है। तो इन पांचों को आप याद कर लीजिए कि ये जो पांचों ठोस ईंधन है वो प्राकृतिक ठोस ईंधन है, जैसे लकड़ी, पीट, जिरड़क जिसको बोलते हैं हिंदी में, भूरा कोयला, लिग्नाइट। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक ठोस ईंधन है। और बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, सब प्राकृतिक ठोस ईंधन है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कृत्रिम ठोस ईंधन की, आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स की। अब देखिए इसमें कृत्रिम वाले में, आर्टिफिशियल वाले में, पहला हो गया लकड़ी कोयला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? उड चारकोल। लकड़ी कोयला जिसको बोलते हैं क्या? उड चारकोल। लकड़ी कोयला उड चारकोल, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। अगर देखें हम तो यह लगभग 280 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को गर्म करके बनाया जाता है। तो ये जो उड चारकोल है, उड चारकोल जो है, लकड़ी कोयला जो है, कैसे बनता है ये एक लाइन में जान लीजिए। ये बनता है कि उस लकड़ी को 280 डिग्री का तापमान दिया जाता है, 280 डिग्री का तापमान दिया जाता है, टेम्परेचर जो है 280 डिग्री का होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, हवा की अनुपस्थिति में उसे टेम्परेचर दिया जाता है, तब यह कोयला बनता है और कृत्रिम ठोस बनता है। कृत्रिम क्यों बनता है? क्योंकि हम इस पे कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस हम कर रहे हैं, इस वजह से ये कृत्रिम में हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। कृत्रिम में हो गया, आर्टिफिशियल होगा, क्योंकि हम इस पे जो है कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं उस योग्य बनाने के लिए, अपने यूजफुल कोयले को बनाने के लिए अपने अनुसार उस पे ऑपरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए कृत्रिम हो गया, इसीलिए हम उसको कहेंगे क्या? आर्टिफिशियल है। तो यह लगभग 280 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को गर्म करके बनाया जाता है। लकड़ी को 280 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में। अब आगे देखते हैं, यह लगभग 80 से 90% तक कार्बन रखता है। यह अच्छा कृत्रिम ईंधन है, मतलब 80 से 80 to 90% कार्बन का परसेंटेज ये रखता है, और इसे एक आर्टिफिशियल गुड फ्यूल भी कहते हैं, कहेंगे। इसे धातु कर्म प्रक्रिया में, खाना पकाने में, गर्म करने में प्रयोग किया जाता है। इसे धातु कर्म प्रक्रिया में, धातु क्रम प्रक्रिया में, मतलब कि मेटल क्या प्रोसेस में, या फिर खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है।
इसके अंदर गंधक नहीं होता, मतलब कि ये स्मेललेस होता है, स्मेल नहीं होता है इसके अंदर, इसमें स्मेल नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, इसके अंदर गंधक नहीं होता मतलब स्मेल नहीं होता। भार रूप में लकड़ी से लगभग 25% चारकोल प्राप्त होता है। अगर एक लकड़ी के भार के मतलब कि अगर 10 किलो की लकड़ी है तो 10 किलो का 25 किलो यानी कि 2.5 किलो चारकोल उसमें से प्राप्त होगा हमें। तो यही था हमारा उड़ चारकोल पहला, जो किसके अंतर्गत आ रहा है, कृत्रिम ठोस ईंधन के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा कोक है, COKE कोक, दूसरा कोक है। इसको बिटुमिनस कोयल से एक बंद कक्ष में वायु की अनुपस्थिति, इसको कैसे बनाते हैं देखिए, कोक को कैसे बनाते हैं। कोक को बनाने के लिए बिटुमिनस कोयले का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है कोक बनाने के लिए, बिटुमिनस कोयल का। बिटुमिनस कोयल से एक बंद कक्ष में वायु की अनुपस्थिति में 15 से 18 घंटे लगातार 500 से 700 प्रतिशत तापमान पर, डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। मतलब हमें क्या चाहिए कोक बनाने के लिए, बिटुमिनस कोयल चाहिए। एक बार एक लाइन में जानिए कि बिटुमिनस कोक बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बिटुमिनस कोयल की आवश्यकता पड़ेगी, और 15 से 18 घंटे की आवश्यकता है समय की, और 500 से लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, बिटुमिनस कोयल को 15 से 18 घंटे तक लगातार वायु की अनुपस्थिति में, नोट कीजिएगा, वायु की अनुपस्थिति में 500 से 700 डिग्री तापमान हम बिटुमिनस कोयले को देंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, कोक में परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग कि कोक बनाने की क्या है तरीका। कोक में हमें इस्तेमाल करना होगा बिटुमिनस कोयल का। बिटुमिनस कोयल को 15 से 18 घंटे हवा की अनुपस्थिति में 500 से 700 डिग्री टेम्परेचर बिटुमिनस कोयल को देंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, कोक प्राप्त होगा। अब अगर आगे देखें, यह संरचना में बहुत कठोर होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो काफी सॉलिड होता है, संरचना इसकी बहुत ही कठोर होती है। इसका रंग हल्का स्लेटी या भूरा कालापन लिए होता है, मतलब हल्का स्लेटी होगा या फिर भूरा होगा, हल्का सा काला छू के होगा। ठीक है, और यह नमी युक्त नहीं होता है। यह नमी युक्त नहीं होता तथा धुआं रहित होता है, तथा धुआं रहित होता है। यह 85 से 95% तक कार्बन रखता है। यह 85 से 95% तक कार्बन रखता है।
यह मुख्यतः गैस उत्पादन प्लांट तथा ब्लास्ट फर्नेस भट्टी में प्रयोग किया जाता है। कोक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ हमें गैस का उत्पादन करना होता है, या फिर ब्लास्ट फर्नेस, या फिर ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस एक भट्टी होती है बाबू, ये आप लोग को मैकेनिकल में पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर में। अभी इस टाइम आप लोग बस इतना ही जानिए कि ब्लास्ट फर्नेस भट्टी में यूज होता है। भट्टी जैसे चाय की भट्टी होती है, उसी तरीके से कई तरह की भट्टियां होती हैं। तो जो मैकेनिकल में भट्टियां होती है, उसमें मेटल को पिघलाया जाता है। मेटल को पिघला करके किसी और आकृति में, सांचे में अगर उसको उड़ेल दिया जाए, डाल दिया जाए, तो उस सांचे की वो आकृति ग्रहण कर लेता है। तो मेटल को, धातु को पिघलाने की जो, जिस भट्टी में पिघलाते हैं, उसे हम ब्लास्ट फर्नेस भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल गैस उत्पादन में होता है, या फिर ब्लास्ट फर्नेस में होता है। यह छोटी ज्वाला से जलता है। इसका ऊष्मीय मान लगभग 27 से 30 मेगा जूल प्रति केजी तक होता है। मतलब इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है, वो 27 से 30 मेगा जूल पर केजी है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा था किसका, बिटुमिनस का, 29 मेगा जूल पर केजी। और एंथ्रेस, ये कोक का हमारा कितना है, 27 से 30 मेगा जूल पर केजी तक होता है। अब तीसरा कृत्रिम ठोस ईंधन हम देख लेते हैं। तीसरा कृत्रिम ठोस ईंधन ब्रिकेट कोयला। ब्रिकेट कोयला स्पेलिंग होगी BRIQUETEED, ब्रिकेट कोयल, COAL, ब्रिकेट कोयल। यह कोयले को इस कोयले के बारे में जानेंगे हम। यह कोयले को मजबूत पिंड ईंधन में परिवर्तित करने से प्राप्त होता है। यह कोयले को मजबूत पिंड ईंधन में परिवर्तित करने से प्राप्त होता है। यह क्रिया मोल्डिंग में दबाव बल से चिपकाने वाले पदार्थ के साथ अथवा चिपकाने वाले पदार्थ के बिना की जाती है। खड़ी पाई, बंधक पदार्थ, मतलब बंधक मतलब चिपकाने वाले पदार्थ, कोल तार, कच्चा तेल, चूना आदि लेते हैं। ब्रिकेट बनाकर कोयले का प्रयोग करने से मुख्य लाभ यह है कि इसको आसानी से बॉयलर में भेजा जा सकता है, जिससे इसकी दक्षता भी बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रिकेट बनाने के क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। ब्रिकेट, तो ब्रिकेट बनाने के 5 लाभ यहाँ किताब में आपको दिख रहे हैं। पहला, ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होती है। मतलब ले जाने में, ले आने में क्या होगी, सुविधा होगी। ब्रिकेटों की माप के सही होने के कारण भट्टी में वायु प्रवाह सरल होता है। तीसरा, दहन सरल होता है, मतलब कंबस्शन, बर्निंग जो है वो क्या होगा, सरल होगा। भट्टी में डालना सरल होता है, भट्टी में डालना सरल होता है। और ईंधन का ऊष्मीय मान बढ़ जाता है, ईंधन का ऊष्मीय मान बढ़ जाता है।
अब आगे देखते हैं, ईंधन सभी तरफ से समान जलता है, मतलब हर ओर से जो ईंधन की जो कम्बशन प्रक्रिया होगी, बर्निंग प्रोसेस होगी, वो सभी तरफ से क्या होगी, समान होगी। फ्लू गैस के साथ चिमनी में से धूल के कण कम निकलते हैं, मतलब कि जो फ्लू गैसेस उसे कहते हैं जो स्मोक बन करके बाहर निकल रहे हैं, उसमें से धूल के कण कम निकलते हैं। चौथा देखिए, कृत्रिम ठोस ईंधन का चौथा पार्ट, कृत्रिम ठोस ईंधन का पुलराइज्ड कोल बाबू जो है हमारा, ईंधन तथा ऑक्सीजन का संपर्क सही तरीके से नहीं होता, ईंधन तथा ऑक्सीजन का संपर्क सही तरीके से नहीं होता, जिससे ईंधन के दहन की दर धीमी हो जाती है। यदि ऑक्सीजन ईंधन की संपूर्ण सतह पर संपर्क करे तो दहन की दर बढ़ जाएगी। तो दहन दर बढ़ जाएगी। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।